चंदनकियारी के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के जेएसडब्ल्यू को आवंटन के बाद उसके शुभारंभ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता और कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता बरतने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका आवंटन रद्द कर दिया था। इससे यह कोल ब्लॉक बंद था। राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने इसे खुलवाने का लगातार प्रयास किया था। कोलगेट घोटाले में जो आवंटन था यूपीए काल में, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कई एक कोल ब्लॉक्स को जो गलत तरीके से नीलामी की गई थी उसको रद्द कर दिया था। और 2014 में जब मुझे चंदनकियारी की जनता ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी की सरकार में मंत्री पद का दायित्व मिला, तब से हम लोग इस बंद खादान को पुनर्चालित करने के लिए, पुनः चालू कराने के लिए लगातार यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, मंत्रालय से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। यह बीसीसीएल के कस्टडी में गया था, फिर उसमें हम लोगों ने प्रयास किया था, सेल को दिया गया, सेल बीएसएल ने लिया और बीएसएल ने भी चालू कराने का कोशिश किया, लेकिन बीएसएल ने कामयाब नहीं हो पाया। अंततः हम लोगों ने प्रयास करके सभी लोगों से बात करके इसको जो है ऑक्शन कराने का काम किया और ऑक्शन में भी दो बार के बाद अंततः जेएसडब्ल्यू साइज को कवर करने के लिए राजी हुआ और इसको अलॉटमेंट मिल गया है, प्रक्रिया भी प्रारंभ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।